हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रीति यादव आपका स्वागत करती हूँ हमारी एक और नई वीडियो में। प्रेग्नेंट होना अपने आप में ही बहुत अलग एहसास होता है और माँ बनने की खुशी अलग ही होती है। लेकिन ऐसे में अगर आपको पता चलता है कि आप एक नहीं जुड़वा बच्चों की माँ बनने वाली हैं, तो आपकी खुशी सातवें आसमान पर होती है। लेकिन जैसे ही आपको पता चलता है कि आप जुड़वा बच्चों को जन्म देने वाली हैं, आपकी जिम्मेदारियाँ भी बढ़ जाती हैं, क्योंकि भारत में सिर्फ 3% लोगों को ही जुड़वा बच्चे होते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जुड़वा बच्चे होते कैसे हैं, आपको कैसे पता चलेगा कि आपको ट्विंस प्रेगनेंसी है, और आपको इस प्रेगनेंसी में किन किन बातों का खास ख्याल रखना होगा। तो आप मेरा ये वीडियो पूरा जरूर देखें, और प्रेगनेंसी से रिलेटेड और भी वीडियोज देखने के लिए आप हमारे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। हो सकता है कि आपने नोटिस किया हो कि जुड़वे बच्चे कई बार तो बिल्कुल एक जैसे ही दिखाई देते हैं और कई बार वो अलग अलग दिखाई देते हैं। तो आखिरकार ऐसा होता क्यों है, जबकि है तो वो जुड़वा ही। इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी जो प्रेगनेंसी है वो कैसे कंसीव हुई है। तो फ्रेंड्स, महिलाओं के शरीर में एक अंडा बनता है और वो अंडा निकलकर फैलोपियन ट्यूब में आता है, और यहीं पर मेल का स्पर्म आकर इससे मिल जाता है और इसे फर्टाइल कर देता है। बाद में यही अंडा दो हिस्सों में टूटने लगता है, जिससे आपको ट्विंस प्रेगनेंसी होती है, और ऐसे बच्चे मोनोजाइगोटिक ट्विंस बोले जाते हैं, जो कि देखने में बिल्कुल एक जैसे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ कई बार महिलाओं की ओवरीज से दो अंडे निकलते हैं और वो फैलोपियन ट्यूब में आते हैं। यहाँ पर मेल का स्पर्म अलग अलग अंडों पर को आकर फर्टाइल कर देता है, जिससे कि जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं, और ये बच्चे देखने में अलग अलग होते हैं, और इनको हम डाइजाइगोटिक ट्विंस बोलते हैं। तो ये तो मैंने बताया कि ट्विंस प्रेगनेंसी होती कैसे है। चलिए अब बात करते हैं कि किन लोगों को ट्विंस प्रेगनेंसी की चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। तो यदि आपके पूर्वजों में से किसी को भी ट्विंस प्रेगनेंसी हुई है, तो आपकी ट्विंस प्रेगनेंसी होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा जिन महिलाओं की लंबाई और वजन ज़्यादा होता है, उनको भी ट्विंस प्रेगनेंसी होने के चांसेस अच्छे होते हैं। यदि महिला की उम्र 35 साल से ज़्यादा हो, तो भी उसको ट्विंस प्रेगनेंसी होने के चांसेस होते हैं। या फिर जो महिलाएं गर्भ निरोधक गोलियां पहले से ही ले रही थी और अचानक से बंद कर देती हैं, तुरंत ही प्रेग्नेंट हो जाती हैं, तो उस कंडीशन में भी जुड़वा बच्चे होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आपको पहले दो जुड़वा बच्चे हो चुके हैं, तो दोबारा जुड़वा बच्चे होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। या फिर आप IVF का ट्रीटमेंट ले रही हैं, तो भी आपको जुड़वा बच्चे होने की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं। चलिए बात करते हैं कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपको ट्विंस प्रेगनेंसी है या नहीं। भारत में लगभग 50% महिलाओं को प्रेगनेंसी कंसीव करते ही मॉर्निंग सिकनेस जैसी प्रॉब्लम होती है, मतलब कि उल्टी आना, जी मचलाना, ये सारी समस्याएं आती हैं। ऐसे में अगर आपको ट्विंस प्रेगनेंसी होगी, तो आपको ये परेशानियां दुगनी यानी बहुत ज़्यादा दिखाई देंगी। दूसरा, अगर पहली तिमाही में ही किसी प्रेग्नेंट महिला का वजन नॉर्मल प्रेग्नेंट महिला के वजन से 2 या फिर 4 किलो ज़्यादा बढ़ जाता है, तो इसे भी जुड़वा बच्चा होने का लक्षण माना जाता है, क्योंकि शरीर के अंदर 2 प्लेसेंटा होते हैं, या फिर वह एक ही प्लेसेंटा शेयर भी कर रहे हैं, तो भी वहाँ ज़्यादा एमिनेटिक फ्लड होता है, जिसकी वजह से वजन ज़्यादा हो जाता है। तीसरा, अगर पेट के अंदर बेबी की हलचल बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है, तो भी उसे ट्विंस प्रेगनेंसी के लक्षणों में जोड़ा जाता है। ऐसे में अगर आपको अपनी प्रेगनेंसी के शुरुआत के 3 महीने के खत्म होते ही बेबी का मूवमेंट जो है वो महसूस होने लगता है, तो इसे भी एक ट्विंस प्रेगनेंसी का संकेत माना जाता है। इसके अलावा अगर आपको बार बार भूख लग रही है, या फिर हर थोड़ी थोड़ी देर में भूख लगने लगती है, या फिर पेट का आकार बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो इसको भी ट्विंस प्रेगनेंसी का ही एक लक्षण माना जाता है। इसके अलावा हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा थकावट हो रही है, आपको इतनी थकावट हो रही है कि आपको लगे कि आपके बॉडी में तो बिल्कुल एनर्जी ही नहीं है, तो इसको भी ट्विंस प्रेगनेंसी का ही एक संकेत माना जाता है। अगर आपको ट्विंस प्रेगनेंसी है और आप जब अल्ट्रासाउंड करवाएंगे, तो डॉक्टर को अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में 2 सेक दिखाई देंगे, यानी कि 2 अलग अलग बेबी का डेवलपमेंट होता हुआ नजर आएगा, जिसे वह कंफर्म कर सकते हैं कि आपको ट्विंस प्रेगनेंसी है या नहीं। चलिए अब बात करते हैं कि ट्विंस प्रेगनेंसी में आपको किन किन बातों का खास ख्याल रखना होगा। देखिए,
ट्विंस प्रेगनेंसी एक हाई रिस्क प्रेगनेंसी होती है। इसका मतलब है कि आपको अपनी हर एक मूवमेंट पर ध्यान देना होगा और हर बात अपने डॉक्टर से शेयर करनी होगी ताकि वो समय रहते ही आपकी प्रेगनेंसी को सुखद बना सके और आपके बच्चों का ख्याल रख सके। तो अगर आपको कोई भी तकलीफ होती है, कोई भी परेशानी होती है, तो आप किसी की भी सलाह ना लें, सीधे अपने डॉक्टर से बात करें और उनसे बात करके ही आप कोई सलाह लें। आई होप कि ये जानकारी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हाँ, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस के बारे में जानकारी मिलती रहे। अब अगर आपके पास कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, हम आपके सभी कमेंट का रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करेंगे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।